नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। कांवड़ मेले का कड़ी सुरक्षा के बीच आगाज हो चुका है। हालांकि कई दिनों पहले से शिव भक्त कांवड़िया कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। मान्यता है कि भगवान महादेव शिव शंभु सावन के महीने में हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं और यही से पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इस दौरान शयन में रहते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस साल सावन पूरे 59 दिन का है, यानी पूरे 2 महीने का, क्योंकि इस महीने 2 मास लगा है और ये संयोग करीब 19 साल बाद आया है। और इसके बाद 17 जुलाई को सोमवाती अमावस्या का स्नान है, जिस पर अपने पितरों के निमित्त पूजा करने का विशेष लाभ होने वाला है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कांवड़ मेला क्षेत्र का 12 सुपर जोन में 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। एयर पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी को भी तैनात किया गया है। साथ ही सभी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। तो पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। हमारे इस पूरे सनातन में एक ही ईश्वर, एक ही देव, एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको प्रसन्न करना सबसे ज्यादा आसान है। श्रावण मास उनका प्रिय मास है, क्योंकि इसी श्रावण मास में भगवान ने दक्षेश्वर महादेव के रूप में स्थापना हुई थी और पूरे श्रावण मास वो धरती पे हरिद्वार के अंदर दक्षेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। 4 जुलाई से आरंभ होने वाला ये जो श्रावण मास है, इसलिए विशेष पुण्यदायी हो जाता है क्योंकि भगवान नारायण का भी जो सबसे प्रिय मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास स्वयं अपना नाम दिया है भगवान ने, वो भी श्रावण मास में ही पड़ रहा है। करीबन 19-20 वर्ष बाद पड़ने वाला ये सौभाग्यदायक समय ऐसा है कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक लोगों को भगवान शिव की सेवा और साधना का अवसर मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई मन में कामना नहीं है, भगवान से मांगा है? हाँ, भगवान से पूरा हुआ है कुछ? अभी और नहीं है, आधा है। कामना के लेके जा रहे हैं? हाँ जी। कोई कष्ट नहीं होगा, इतनी दूर लेके जाएंगे? बाबा है, बाबा की मनोकामना पूरी हुई है। कितनी बार ले जा चुके हैं? पहली बार है जी। क्या कामना मांगी थी जो पूरी हुई? बच्चे नहीं हुए थे सर, लेट हुए थे, एक दो बच्चे खराब हो गए थे। बाबा से मनोकामना मांगी, जब मेरे गोद भर जाए जब मैं कावड़ लेने आऊंगा। बाबा जी हमें, बाबा साथ रहेगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पहला दिन है, क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आ रही है? सावन का पर्व है वो आज मेला, यहाँ से सावन मेला शुरू हो गया है। और हालांकि जिस तरह से कांवड़िए जो थे वो कुछ दिन पहले से ही यहाँ हरिद्वार में आने शुरू हो गए थे, लेकिन आज जो संख्या कांवड़ियों की है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कांवड़िया हरिद्वार की जो हरिद्वार क्षेत्र है वहाँ से गंगा जल भरकर अपने अपने जो शिवालय है वहाँ की ओर रवाना यहाँ पर होना शुरू हो गया है। और जिस तरह से अगर हम बात करें पूरे मेला की तरफ की सुरक्षा को लेकर, करीबन 10,000 पुलिसकर्मी इस मेले में यहाँ पर इस ओर लगाए गए हैं। तो वहीं पूरे मेले क्षेत्र को 12 सुपर जोन और 33 सेक्टरों में बांटकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कर रखी है। तो वहीं जिला प्रशासन की अगर बात करें तो उसमें सभी सुविधाएं देने की यहाँ पर बात करी है, चाहे जिस तरह से कांवड़ पटरी पर पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो या लाइट की व्यवस्था हो, क्योंकि जो कांवड़िया है वो दिन रात यहाँ पर विकास अगर बात की जाए तो इस बार प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा भी चल रहा है तो दूसरी तरफ आज से ये श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में क्या कुछ खासे इंतजाम वहां पे देखने को मिल रहे हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह से चार धाम भी जल रहा है और उसके ऊपर कांवड़ मेला जो शुरू हो गया, हालांकि कांवड़ मेला जो जलाभिषेक होना है उस तक रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सावन की बात करें, सावन इस बार 2 महीने का यहां पर रहने वाला है, तो जिसको लेकर काफी मशक्कत यहां पर जिला प्रशासन को करनी पड़ेगी। खासकर हाईवे के जो स्थितियां हैं वहां पर जाम की स्थिति कई बार बन जाती है, जिसकी वजह से जो चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्री हैं उनको कुछ परेशानी जरूर हो सकती है, जिसके लिए बकायदा रूट डाइवर्जन यहाँ पर किया गया है। जिनको दिल्ली से जो आने वाले चार धाम के यात्री हैं उनको वाया देहरादून होते हुए सहारनपुर के पहले ही उनको डाइवर्ट किया जाएगा और उनको आगे ऋषिकेश की ओर भेजा जाएगा। तो इस तरह से पूरे डाइवर्जन प्लान यहाँ पर लागू किया गया है। इन कम से कम 15 जो दिन है जब कांवड़ यात्रा अपने चरण पर रहेगी उसको लेकर पूरे पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर विशेष तौर पर किए गए हैं। जी, क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है हर की पैड़ी से? विकास, विकास क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है हर की पैड़ी से? संपर्क टूट गया है तकनीकी खामियों के चलते, लेकिन दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है काफी कुछ अपने आप में बयां करती है। बता दें कि आज से श्रावण की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 59 दिनों का ये श्रावण रहने वाला है और सावन को लेके जो है तैयारी काफी दिनों पहले से शुरू कर दी गई थी और तमाम मीटिंगें बैठी जो है वो बुलाई जा रही थी। और ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है हर की पैड़ी की, ये तस्वीरें हैं काफी कुछ अपने आप में बयां करती है। इसमें तमाम देखिए कांवड़िया कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और ऐसे में 59 दिनों का ये सावन रहने वाला है। तो वही अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हरीश रावत सीबीआई कोर्ट में दे सकते हैं जवाब। सीबीआई की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा गया है नोटिस। 2016 के सियासी स्टिंग मामले में सीबीआई ने भेजा है नोटिस। सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग करी थी। तो अहम जानकारी कि सीबीआई की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा गया है नोटिस, आज जवाब दे सकते हैं। सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग की थी। तो हरीश रावत सीबीआई कोर्ट में दे सकते हैं जवाब और सीबीआई की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा गया है नोटिस। सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग करी थी। तो हरीश रावत सीबीआई कोर्ट में दे सकते हैं जवाब, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा गया है नोटिस और मामले में सीबीआई ने भेजा है नोटिस। 2016 के सियासी स्टिंग मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा है और सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग करी थी। तो हरीश रावत सीबीआई कोर्ट में दे सकते हैं जवाब, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2016 का ये पूरा मामला है जिसको लेकर सीबीआई की तरफ से मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा गया है और बता दें कि अब 2016 के सियासी स्टिंग मामले में सीबीआई ने भेजा है नोटिस और ऐसे में देखिए सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग करी थी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां 2016 का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब जो है सीबीआई ने नोटिस भेजा है हरीश रावत को, पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा उत्तराखंड के और ऐसे में सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग करी थी। सीबीआई की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा गया, जवाब दाखिल कर सकते हैं। तो 2016 के एक स्टिंग मामले में सीबीआई ने भेजा है ये नोटिस। तो सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की मांग करी थी। बता दें कि मामला 2016 का बताया जा रहा है और इसको लेकर अब जो है वो कोर्ट में जवाब दे सकते हैं हरीश रावत, यानी कि पूर्व सीएम को कोर्ट में जवाब देना होगा। सीबीआई ने नोटिस दे दिया था इनको और सीबीआई ने पूर्व सीएम से वॉइस सैंपलिंग की भी मांग करी थी। तो अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। साल 2016 का ये पूरा मामला है, स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है जिसको लेकर सीबीआई ने नोटिस भेजा था पूर्व सीएम हरीश रावत को और जवाब मांगा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री को नोटिस जो भेजा गया है पूर्व मुख्यमंत्री को, उस पर जवाब मांगा गया है सीबीआई की तरफ से। साफ तौर पे कह दिया गया है कि इस पर जवाब दीजिए, वॉइस सैंपलिंग की उन्होंने मांग की है। 2016 के सीएससी स्टिंग मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा है पूर्व सीएम हरीश रावत को। तो सीबीआई की तरफ से पूर्व
मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा गया है। 2016 का एसीआईसी सियासी मामला है, स्टिंग का यह मामला है और सीबीआई की तरफ से पूर्व सीएम को नोटिस भेजा गया है। बता दें हरीश रावत को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा है, वॉइस सैंपलिंग की मांग की है। 2016 का ये पूरा मामला है, स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है जिसको लेकर नोटिस भेजा गया है। हरीश रावत को सीबीआई कोर्ट में जवाब मांगा है सीबीआई ने और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हरीश रावत से पूर्व सीएम है ये उत्तराखंड के और ऐसे में 2016 के सियासी स्टिंग का ये पूरा मामला है। तो बता दें कि हरीश रावत सीबीआई कोर्ट में दे सकते हैं जवाब। तुषार गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, जवाब मांगा है सीबीआई ने, वॉइस सैंपलिंग की मांग की है। जी हाँ बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री को आज सीबीआई कोर्ट में जवाब देना है और ये जवाब उन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था जिसमें तीन नेता और है, जिसमें उमेश कुमार जो विधायक है निर्दलीय और साथ साथ जो दो और इसमें नेता है उनको भी बुलाया गया है। साथ साथ आज हरीश रावत जो सीबीआई कोर्ट में पहुंचेंगे और वहां पर अपना जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो वहां पर देंगे, जवाब तवाब भी करेंगे। सीबीआई इस दौरान की जो 2016 में जो स्टिंग का आया था सामने और उसमें किस तरह की जो चीजें हुई थी और किस तरह की चीजें सामने आई थी उनके बारे में चर्चाएं होंगी सीबीआई के साथ और साथ साथ ये बातचीत होगी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी आज हो सकती है। फिलहाल ये हरीश रावत जी का अभी फिलहाल पता नहीं चल रहा है कहां पर वो निकले हैं, कहां से वो पहुंचेंगे, लेकिन जो सीबीआई कोर्ट ने जो उनके अधिवक्ता है उनसे सीबीआई कोर्ट ने समय मांगा है, लेकिन फिलहाल जो ये कहा जा सकता है कि हरीश रावत भी आज न्यायालय कोर्ट में पहुंच सकते हैं और अब वहां पर जाकर अपना वॉइस रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। जी तो क्या लगता है कि वो जाएंगे वॉइस रिकॉर्डिंग देने के लिए, टाल दिया जाएगा उनकी तरफ से? जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो पहुंचेंगे लेकिन अधिवक्ता ने अभी फिलहाल उनसे टाइम मांगा है सीबीआई से कि थोड़ा और टाइम उन्हें मिला जाए, लेकिन ये देखना होगा कि थोड़ी देर में साफ जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि हरीश रावत खुद जाएंगे या अधिवक्ता वहां पर जाएंगे। कुछ देर में ये खुद साफ हो जाएगा कि हरीश रावत आज अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग देंगे या फिर वो सीबीआई से बचते हुए नजर आएंगे। जी क्योंकि जब नोटिस दिया गया था सीबीआई की तरफ से, जब उनके घर सीबीआई गई थी नोटिस देने के लिए, तो उनको जब फोन किया गया था क्योंकि वो घर से तो बाहर थे, जब उनको फोन किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे सीबीआई से बोल दिया था कि आप कल आइएगा। तो लगता है कि ये वाला आज का दिन जो है वॉइस सैंपलिंग का वो भी टाला जा सकता है क्या तुषार? जी हाँ बिल्कुल, टाला तो जा सकता है क्योंकि हरीश रावत की चीजों से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सीबीआई आएगी तो मैं जरूर जाऊंगा उनके पास क्योंकि मैं साफ सुथरा नियत का हूँ या फिर कहा जाए कि साफ सुथरी छवि का हूँ। मैंने कोई प्रकरण में कोई ऐसे नैतिक कार्य नहीं किए हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस दिन घर पे जब सीबीआई उनकी टीम वहां पहुंची थी तो जब वो नहीं मिले तो उन पर कई क्वेश्चन उठाए गए विपक्ष की तरफ से कि वो बचना चाहते हैं सीबीआई से। अच्छा, जब सीबीआई ने नोटिस दिया था इनको उस संबंध में इन्होंने सोशल मीडिया पे साझा करते हुए कहा था कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, तो कितना सहयोग सीबीआई को दिया गया है अब तक हरीश रावत की तरफ से? जी बात की जाए तो उन्होंने नोटिस प्राप्त कर लिया है हरीश रावत ने और आज उनकी डेट थी कि वो सीबीआई न्यायालय में जाकर अपनी पेश करेंगे या उनसे पूछताछ की जाएगी या फिर उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन जिस तरह से अभी लग रहा है कि सीबीआई के पास हरीश रावत नहीं पहुंचेंगे और अधिवक्ता उनके पास जा सकता है, कुछ समय मांगा गया है, फिलहाल कुछ देर में कुछ अपडेट मिलेगी तो आप तो उसी हिसाब से पूरा अपडेट दिया जाएगा। जी 2016 का ये पूरा मामला है और इतने साल बाद सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया है पूर्व सीएम को। जी हाँ बिल्कुल, 2016 का प्रकरण का मामला था जिसमें उमेश कुमार और हरक सिंह रावत और साथ साथ हरीश रावत ये तीनों इसमें सम्मिलित थे और इसमें ये कहा गया था कि ये तीनों की वॉइस इसमें सामने आ रही है, साथ इसमें जो वीडियो आई थी उसमें कई विधायकों खरीदने या फिर अपनी तरफ मत करने की बात कही गई थी लेकिन इसकी जांच करने की बात कही थी और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग सीबीआई ने मांग की थी नोटिस की और ये 2022 में कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव
से पहले ये सीबीआई का जो दिन है वो निकला है। ये हरीश रावत ने खुद कहा था कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से करीब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि भाजपा इस मुद्दे को गलत जगह ले जा रही है और जिस तरह से बातचीत वो कर रही है, जिस तरह से आप बिल्कुल देखना होगा कि क्या सीबीआई को पूरे तरीके से सीबीआई को सहयोग करते हैं या नहीं करते। बने रहे आप हमारे साथ तुषार, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड में जून महीने में टूटा रिकॉर्ड, पिछले 5 साल टूटा है बारिश का रिकॉर्ड। बता दें जून महीने में 152.4 मिलीमीटर हुई है बारिश, 2019 में हुई थी सबसे कम बारिश, देहरादून में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 246.3 मिलीमीटर हुई है बारिश। तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। बता दें कि बारिश काफी ज्यादा हुई है, 152.4 मिलीमीटर हुई है बारिश और 2019 में हुई थी सबसे कम बारिश, देहरादून में सबसे अधिक 246.3 मिलीमीटर हुई है बारिश। तो रिकॉर्ड टूट चुका है। बता दें कि उत्तराखंड में जून महीने में टूटा है बारिश का रिकॉर्ड, देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है, देहरादून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, 246.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। लगातार हमारे साथ तुषार बने हुए हैं। तुषार, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने जून के महीने में। संपर्क टूट गया है तुषार से, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 246.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, 2019 में सबसे कम बारिश हुई थी और 152.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो इस वक्त की दर्ज की गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड टूट चुका है, जून महीने में 152.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। देहरादून की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश यही हुई है, 246.3 मिलीमीटर बारिश देहरादून में हुई है। तो उत्तराखंड में जून महीने में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं बारिश के, 2019 में सबसे कम बारिश हुई थी और ऐसे में देखिए देहरादून से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा बारिश यही हुई है, 246.3 मिलीमीटर हुई है। और जून के महीने की सिर्फ बात की जाए तो 152.4 मिलीमीटर बारिश जून के महीने में हुई है। तो पिछले 5 साल में टूटा है बारिश का रिकॉर्ड और बारिश लगातार हो रही है। कई दिनों से मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और कभी बर्फबारी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ओले गिर रहे हैं और ऐसे में देखिए इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है। तुषार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, इस बार पिछले के मुकाबले सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं बारिश के। जी हाँ बिल्कुल, इस बार उत्तराखंड में कहा जा सकता है कि बहुत बारिश पड़ी है और 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, टूट गया है बारिश का। इतनी बारिश हुई है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बात की जाए तो जून महीने में एक 152.4 मिलीमीटर जो मिमी है वो बारिश गिरी है और इससे कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई कई जगह हमें जल भराव की समस्या भी सामने आई है, क्योंकि अत्यधिक बारिश पड़ने कारण फसलों को भी नुकसान पड़ता है। लेकिन 5 साल बाद जिस तरह से जून महीने में अत्यधिक बारिश पड़ी है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारा पूरा ग्लोबल वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं खराबी या कहा जाए कि उसमें ग्लोबल वार्मिंग में जिस तरह से चेंज आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि आने वाला समय में और भी बरसात देखने को मिल सकती है और जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आया है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो आने वाला समय होगा और भी बरसात देखने को मिलेगी। और इस बार तो मॉनसून की स्टार्टिंग में जिस तरह से कहा जा सकता है कि अच्छी बारिश देखने को मिली है तो आते आते जैसे सितंबर महीने तक अच्छी बारिश पड़ने की उम्मीद मौसम विभाग ने भी जताई है। फिलहाल के लिए आज भी मौसम देहरादून में बात की जाए तो काफी बादल है, काले काले बादल छाए हुए हैं, देर रात भी बरसात हुई है काफी और अभी भी आने वाले समय पर यह देखा जा सकता है कि थोड़ी और बरसात होगी। लेकिन जिस तरह से मौसम ने परिवर्तन लिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। जी जब जब उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का मंजर निकल के सामने आता है तब तब भूस्खलन की घटना भी निकल के सामने आ रही है और यही तस्वीरें हमने पिछले कुछ दिनों देखी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भूस्खलन या चट्टाने गिरने के कारण रास्ता बाधित हो जाता है और साथ साथ कहा जा सकता है कि काफी जो नुकसान है वो सड़कों को पहुंचता है और राजस्व को पहुंचता है।
कहीं ना कहीं जो नदियों का पानी है बरसात होने के कारण वो भी बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनको दिक्कत होती है, उन्हें शिफ्ट करना होता है कई बार। और साथ साथ जो आपदा प्रबंधन की टीम है लगातार, जो SDRF है, NDRF है, वो लगातार पूरी नजर बनाए रखती है पूरे क्षेत्र में या फिर कहा जाए पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि बरसात का मौसम उत्तराखंड में अनप्रिडिक्टेबल होता है और कभी भी बरसात हो सकती है। हैवी रेनफॉल के कारण कई समस्या यहाँ पर आती है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो जल भराव या फिर अत्यधिक पानी छोड़ने से, या टीरी डैम जितने भी डैम है उसमें पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो उफान पे देखने को मिलती है, जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं जो नदियों के पास रहते हैं उनको काफी दिक्कतें इसमें उठानी पड़ती है। और या फिर जी बिल्कुल, एक तरफ बारिश जाए मुस्कुराहट लेके आती है तो दूसरी तरफ कई परेशानियां भी कई लोगों के सामने खड़ा कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहते हैं। अब हरीश रावत ने केंद्र सरकार की तरफ से गन्ने का मूल्य 10 बढ़ाए जाने को लेकर सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने पोस्टर करते हुए कहा है कि पूर्व सीएम की पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले कर रही है और आज के समय में किसानों की आय बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन काल में लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि आज के समय में महंगाई चरम पर है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रही है। देखिए, किसानों के हित में सरकार किस तरीके के फैसले ले रही है ये तो आप किसानों से पूछिए। किसान लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जहां तक गन्ने के समर्थन मूल्य का सवाल है, 6 साल पहले जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब जो है गन्ने का समर्थन मूल्य 225 रुपये होता था, आज 215 रुपये है। तो सरकार किस तरीके से किसानों के हित में फैसले ले रही है? किसान लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो उनको खाद की दिक्कतें हैं, जो अन्य कृषि उपकरणों की दिक्कतें हैं, बिजली पानी की दिक्कतें हैं, सभी मांगों को लेकर के लंबे समय से हरिद्वार उधम सिंह नगर के किसान राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की हर सुख दुख में खड़ी रहती है। हरीश राव जी जब उनके DAP खाद का मामला था तब भी किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे थे, तब किसानों को DAP खाद मिला था। अभी आपने गन्ना भुगतान की मांग के समर्थन में देखा, हरीश राव जी जब धरने पर बैठे तब किस्तों में सरकार उनके भुगतान को तैयार हुई। देखिए, हरीश रावत जी ये बताएं, पहले कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो राज्य में उनके पास किसानों के लिए और गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ करने को था। उनके राज्य में किसान आंदोलन हुआ उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, इस राज्य के गन्ना किसानों ने हड़तालें करी, शुगर मिलों को बंद किया क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हुआ। तब हरीश रावत जी को कहीं भी गन्ना किसानों की सूझ नहीं ली उन्होंने, ना ही उनको कहीं याद आया और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिसके कारण हरीश रावत जी बुरी तरीके से चुनाव हार गए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।